Very good evening, students. This is your chemistry teacher. Welcome to Arcady classes. देखो पिले, previously हमें one mark question सब discussion करी दी थी ले, अजी two and three mark question discussion start करी बा. Okay? So देखो, unit one solution, two mark question and three mark question. Okay? So देखो पिले, first question. What is a saturated solution and what is the effect of temperature on solubility of saturated solution? Same question, one mark re mu tama sange discussion karithili. Hana saturated solution re jodi effect of temperature daba tale se kon heijibo gote unsaturated re convert heijibo. So saturated kono सॉल्यूट आउ फर्दर ऐड ही परिवो नहीं अनसैचुरेटेड कौन पिले फर्दर सॉल्यूट ऐड ही जाए परिवो एग्जांपल संगे बुझे इतनी तुमको गोटे बिकर ना बा टाइल कौन करेगी वाटर पके भी एज ए सॉल्वेंट कौन पके दी बिताए रे सॉल्ट पके भी वन स्पून सॉल्ट पके ले से डीजल भेज जीवो टू स्पून जो दी सॉल्ट पके भी से डीजल भेज जीवो थ्री स्पून सॉल्ट पके भी से डीजल भेज जीवो टेन स्पून पके भी से डीजल भेज जीवो बट 20 स्पून पके भी से कौन हे डीजल हम ना कहीं से सैचुरेटेड स्टेट को पड़े बुझा पड़ी सो देख पिले मुझे पारि ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन इन व्हिच देर इज सो मच सॉल्यूट दैट इफ देर वाज एनी मोर इट वुड नॉट डिजल्व माने से सॉल्यूशन रे एतिकी सॉल्यूट अछि आउ सॉल्यूट पकेले से कोन होबो नै डीजल होबो नै ताको हमें कोन बोली कहउछे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोली कहउछे क्लियर पिले कांसेप्ट व्हेन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज हीटेड माने टेंपरेचर रो इफेक्ट दबा इट बिकम्स कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग मोर सॉल्यूट माने मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कोन होबो पिले ताहिरे डिजॉल्व हे जीवो काहिरे सैचुरेटेड सॉल्यूशन माने से जेतोले टेंपरेचर पाइला से अनसैचुरेटेड रे कन्वर्ट हे गेला क्लियर कांसेप्ट ओके दैट इज ऑन हीटिंग ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड देखो मु ए जिंस का तो मु कहितली ए जिंस का कहितली ना बिकम्स कोन रे अनसैचुरेटेड एंड इज एबल टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट क्लियर वन क्वेश्चन कंप्लीटेड आसो सेकंड को पिले देखो एक्सप्लेन व्हाई NaCl इज नॉट सॉल्युबल इन CCl4 अरे NaCl वाटर रे काहे की डिसॉल्व होची CCl4 रे काहे की डिसॉल्व होमी सेडा होची मारा क्वेश्चन माने वाटर रे काहे की डिसॉल्व होची बोले क्वेश्चन नाही एक्चुअली क्वेश्चन कोण होची मारो व्हाई NaCl इज नॉट सॉल्युबल इन CCl4 देखो सोडियम क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड बिकॉज गोटे जिनस अच्छे पिले मन रख लाइक डीजल्स लाइक मन रख लाइक डीजल्स लाइक माने जदि वाटर नहीं ची सी गोटे पोलार सॉल्वेंट क्लियर जदि NaCl नहीं सीए भी गोटे पोलार क्लियर NaCl गोटे पोलार वाटर भी गोटे पोलार पीले से कौन लिखी लाइक डिजल्व्स लाइक माने पोलार पोलार होते डिजल्व हम नॉन पोलार नॉन पोलार होते डिजल्व हम जदि नॉन पोलार गोटे होगला डिजल्व हम ना क्लियर देख सोडियम क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड बिकॉज सोडियम क्लोराइड इज पोलार देखो देखो जोटा कहली सोडियम क्लोराइड इज पोलार एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलार इन नेचर क्लियर एंड पोलार सब्सटेंस डू नॉट डिजॉल्व इन नॉन पोलार सब्सटेंस क्लियर बट सोडियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज वाटर इज ऑल्सो पोलार एंड सिंस पोलार्स डिजॉल्व और सॉल्युबल इन पोलार सब्सटेंस मुझे तुमको कनसेप्ट कहली से जिन पिले अच्छे ओके प्ले एमती कले आमको टाइम भी
कौन होची बंचुची प्लस अधिक क्वेश्चन भी आम डिस्कशन कर पारिबा क्लियर क्वेश्चन अच्छी तम पाखे आंसर अच्छी पोज कर आंसर टा लिख नेक्स्ट क्वेश्चन को जीव क्लियर पिले कनसेप्ट ओके नेक्स्ट चलो कौन देला व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी माने सॉलिबिलिटी रे टेम्परेचर है कि प्रेशर रो इफेक्ट कौन अरे पिले मन कर मो पाखे कौन अच्छी गोटे सॉल्वेंट रे गैस गोटे डीजल वेहिकल अच्छी मुझे टेम्परेचर देवी कौन हम सब जाक गैस मॉलिक्यूल कौन इवापोरेट क्लियर सेमती जदि मु प्रेशर पकेबी एटा एटा कौन रे पिले एटा होची तमरो हेनरीस लॉ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस दैट इज कॉल्ड हेनरीस लॉ जदि मु प्रेशर अधिक पकेबी और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द गैस दैट इज कॉल्ड हेनरीस लॉ देखो कौन लिखा है एन इंक्रीज इन टेम्परेचर हाउएवर डिक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड एज द गैस टेंड्स टू एस्केप द लिक्विड एट ए हायर टेम्परेचर माने जो लिक्विड मो पाखे अच्छी तारे जो गैस अच्छी पिले से कौन हम टेम्परेचर जदि आमे बेसी दबा ताले गैस मॉलिक्यूल कौन हो इवापोरेट हेकि पड़ेबो सरफेस रु क्लियर पूरा बुझा पड़ला हेले जदि मु टेम्परेचर रो इफेक्ट पकेबी ताले कौन रही जीवो डिक्रीज हो जीवो जदि प्रेशर रो इफेक्ट पकेबी ताले सॉलिबिलिटी कौन हो जीवो इंक्रीज हो जीवो देखो लिखा है द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर दैट इज इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इन वाटर क्लियर समस्त को नेक्स्ट जीवा देखो डिफाइन द टर्म नॉर्मालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन गिव द फॉर्मूला नॉर्मालिटी कौन रखिले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डीजल विन 1 liter of the solution और फॉर्मूला जदि मु लिखिबी कोन रे पिले लिखिबी देखो नॉर्मालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू हे परबो नॉर्मालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नॉर्मालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट देखो पहले कौन लिखा है नॉर्मालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर ओके माने कौन केते नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कोटि अछि 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन रे अछि ताको हमें कौन वाली कहबा नॉर्मालिटी वाली कहबा ओके और जदि मु फार्मूला लिखि देबि पिले मन रख नॉर्मालिटी इज इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml क्लियर एटा हो फॉर्मूला आपको धरी क्वेश्चन भी आगे अच्छे करद क्लियर समस्त को देख पिले क्वेश्चन कौन देला इफ 20 ग्राम ऑफ NaOH इज डीजल विद इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन व्हाट इज द नॉर्मालिटी सो नॉर्मालिटी रो फॉर्मूला तो हमें जानिचे प्रीवियसली ही लिख के ले नॉर्मालिटी इज इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml क्लियर रे पिले बुझा पड़ुची देखो क्वेश्चन कौन दे ताको आइरे पुट कर दबा आंसर पड़े आसीबो
इफ 20 ग्राम कोयला 20 ग्राम माने कौन इटा इटा होची वेट इटा होची वेट कार वेट रे पिले सॉल्यूट रो वेट कार वेट सॉल्यूट रो वेट एठी पके दबा 20 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कार इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करबी NaOH रो कैलकुलेट करबी सो NaOH रो मॉलिक्युलर मास रे केते पिले सोडियम रो मास होची 23 ऑक्सीजन रो मास होची तमरो 16 आ कोन हाइड्रोजन रो मास होची 1 सो केते गला 40 मॉलिक्युलर मास होची 40 सो इक्विवेलेंट मास केते होबो 40 डिवाइडेड बाय 1 क्लियर सो केते हिजबो सेम 40 का इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल केते एमएल सॉल्यूशन रे कोइ छिरे 500 सो इटे 500 पुट कर दियो क्लियर एटा केते पड़ी आसला 2 हां ना हे जीवो सो एटा केते 40 डिवाइडेड बाय 40 दैट मींस 1 नॉर्मल आंसर विल बी 1 नॉर्मल देखो सिटी के आस्तेबो देखो आसला ना इंतिका लिखिवो पिले एग्जाम रे इंति लिखिवो सो इंति लिखले तुमको परफेक्ट मार्क मिलिवो जदी 2 मार्क अछि 2 मार्क तुमको मिलिवो कोन लिखिवो गिवन दैट गिवन मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू 20 ग्राम ब्रैकेट रे जदी आईडिया होची इंति लिखि दबो W इज इक्वल टू 20 ग्राम सो आउरी परफेक्ट हबो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 500 ml इज इक्वल टू 0.5 लीटर ओके मोलर मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू 40 ग्राम दस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू केते 20 ग्राम एंती देछि हमें डायरेक्ट फार्मूला रे पके देले तुम जेंती पको सो केते आसीला तुमरो आंसर देखिलो केते आसीला पिले मोलारिटी इज गिवन एज मोलारिटी इज इक्वल टू हां केते पड़ी आसीबो 1 मोल एक दे देला मते मोलारिटी रे आंदला पिले हमें कोन पचार छि मते नॉर्मलिटी पचार छि बुझा पड़ुची हे जीवो ना मते कोन पचार छि नॉर्मलिटी पचार छि सो एडा काई रे पड़ी आसीला तमरो मोलारिटी रे आंसर पड़ी आसीला सो मु कोन कर दे पारिबी नॉर्मलिटी रे आंसर आन दे पारिबी नॉर्मलिटी रे केमते आनिबा देखिलो एमती कर देबी ना बुझा पड़ुची क्लियरली बुझा पड़ला सो कोन हे जीवो एमती लिखी देबी नॉर्मलिटी फाइंड आउट कर देबी नॉर्मलिटी फाइंड आउट करबा पई मो पाखरे फार्मूला अछि एमती फाइंड आउट कर दे हे जीवो क्लियरली बुझा पड़ला केते पड़ी आसीला 1 नॉर्मल सॉल्यूशन पड़ी आसीला ओके देखि दियो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन एंड गिवन द फार्मूला अरे नॉर्मलिटी मोलारिटी कोन रे पिले मोलारिटी कोन मोलारिटी का कहबा नंबर ऑफ कोन देखो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डीजल इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन तारे ग्राम इक्विवेलेंट कहिथिले आरे कोन कहिले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेटा का डिफरेंस आउ किछ नै हे जबो सो तार फार्मूला कोन रे पिले देखो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आमे जदी कोन कर परिवार रे आरो फार्मूला भी लिख परिवा कोन मोलारिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इज इक्वल टू हां वेट बाय मॉलिक्युलर वेट तारे कोन लिखतले हमें इक्विवेलेंट वेट लिखतले अरे मॉलिक्युलर वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल हे जीवो फार्मूला पके परबी ए फार्मूला पके के आंसर आन दबा देखो हे जीवो ना पिले हमको ओके ओके देखो नेक्स्ट कौन करिबा बगैर पिले ए फार्मूला पके दे परिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीबा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Na2CO3 इज रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन
सो ए क्वेश्चन रे मते कौन कहला पिले हाउ मेनी ग्राम्स कहला सो वेट मते पचारला वेट पचारला पिले ओके वेट पचारला सो फॉर्मूला में जानिचे मोलारिटी इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 ओके डिवाइडेड बाय कौन रे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल हे जीबो क्लियर बुझा पड़ला सो कौन कर देबे पिले देखो कौन पचारला मते मोलारिटी दे दीची केते इटे करबे देखो 0.01 अब इज इक्वल टू वेट केते देछ रे मते पचारिची डिवाइडेड बाय अब ना पिले वेट पचारिची डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कार मॉलिक्यूलर वेट रे पिले Na2CO3 रो फाइंड आउट करि परबाय ने कि मॉलिक्यूलर वेट देखिलो Na2CO3 रो सोडियम दीटा अछि सो दीटा गोटे गोटे 23 बोले दीटा केते 46 कार्बन गोटे अछि 12 ऑक्सीजन तीनटा अछि 48 सो केते आछि देखो 8 केते पिले देखो एटा 46 एटा 12 एटा होची केते 48 8 2 10 16 6 एटी 1 सो केते आसीला सो 106 मास होची 106 एटी पके देबी 106 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम केते रे पिले देईची 500 देईची मते सो 500 फुट कर देबी ना एटी ओके सो एटा केते हेगला 2 अब क्लियर एटा केते हेगला 53 अब सो केते आसीला वेट इज इक्वल टू 0.01 इनटू 53 अब अगर पिले 0.01 इनटू 53 केते आसीबर पिले 0.01 इनटू 53 करले देखलो म तुमको देखे दउ छी कैलकुलेटर रे देखो देखो केते आसीला मरो 0.01 इनटू 53 इज इक्वल केते पिले आंसर 0.53 ओके 0.53 इज योर आंसर 0.53 सो केते वेट दरकार 0.53 ग्राम ऑफ जदी मु Na2CO3 नै जेबी से कोन कर दबो 500 ml ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दबो क्लियर हे जेबो पिले नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा क्वेश्चन नंबर 8 डिफाइन मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन मोलालिटी एडा उडे क्वेश्चन पिले सीएचएसई मे बी 2017 और 18 रे आस्तिला टेंपरेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट कोटा डिपेंड इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट कोटा मन रखो वेरी इंपोर्टेंट जदी आमे मोलालिटी है कि मोल फ्रैक्शन नबा दैट इज टेंपरेचर इंडिपेंडेंट क्लियर के मोलालिटी है कि मोल फ्रैक्शन ओके क्लियर के रे जदी मु क्या का को नेबी मोलालिटी है कि मोल फ्रैक्शन ने भी ताले से उची टेंपरेचर इंडिपेंडेंट मन रहइबो टेंपरेचर इंडिपेंडेंट जदी मु आउ कोन नै जिबी नॉर्मलिटी नै जिबी आ मोलारिटी नै जिबी दैट इज योर टेंपरेचर डिपेंडेंट क्लियर सो ए कोन कोले किला व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन मोलालिटी देयर इज नो इफेक्ट काहे कि ना से उची टेंपरेचर इंडिपेंडेंट क्लियर नेक्स्ट मोलालिटी कोन रे पिले मोलालिटी कोन देखिलो मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम सॉल्वेंट दस इन केस ऑफ मोलालिटी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर बोथ इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन मोलालिटी
सो कौन करिबा सेम फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय कौन सॉल्वेंट इन केजी नै जाउ सो मोर कौन पळे आसीबो मोलालिटी पळे आसीबो देखो पिले हे जीवो ना बजे बुझा पड़ला एत की नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नंबर 9 कैलकुलेट द मास टू मास परसेंटेज इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 15 ग्राम 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन एटा उडे प्रॉब्लम पिले कोनडा पचारला मास टू मास परसेंटेज पचारला सो मास परसेंटेज रे फार्मूला कोन रे पिले मास परसेंटेज ओके मास परसेंटेज इज इक्वल टू कौन रे पिले मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 मास ऑफ ओके सॉल्यूट डिवाइडेड बाय कौन रे पिले मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू अरे हमको नॉर्मली जदी जे पचारिबो देखो रे 10 ग्राम 50 ग्राम रे अछि केते परसेंटेज अछि बोले कोई परिबे नै कि जने आंसर के ताखी बुझे कि जने कह दबो 20% हम आंसर रे काढिबा फार्मूला पके कि देखो मास ऑफ सॉल्यूट केतरे पिले दैछि 10 मास ऑफ सॉल्यूशन केतरे पिले दैछि 50 इनटू 100 देखो तेरे 50 दुगुने सो केते पड़े आसीला एटा 20 सो आंसर विल बी 20% सो नॉर्मली हमें गले भी से 20% आउछि फार्मूला रे पके गले भी से 20% आउछि अब नरे पिले क्लियर समस्तन को जीवा केते क्वेश्चन नंबर 10 देखो देखो पिले जीवा क्वेश्चन नंबर 10 कौन रे पिले लिखा है कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन तुमको ए क्वेश्चन रे गोटे जिंस मन रख पिले जेतो बळे भी सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट मोर चिन्हिवार अछि क्वेश्चन रे देखिवो सबुठु कम वैल्यू कोटा अछि कम वैल्यू कोटा अछि रे 2.5 ग्राम सो से कोन हेतिवो सब बळे सॉल्यूट हेतिवो हायर अमाउंट जे थिबो से सब बळे कोन हेतिवो सॉल्वेंट हेतिवो सो ये होची सॉल्वेंट ये होची सॉल्यूट ओके सो मोर फार्मूला कोन स्मॉल एम इज इक्वल टू मोलालिटी रो फार्मूला तो हमें केमती रिप्रेजेंट करिवा ताको स्मॉल एम रे क्लियर सो स्मॉल एम इज इक्वल टू कोन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय कोन रे पिले फार्मूला हमरो मॉलिक्यूलर वेट बा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ओके डिवाइडेड बाय और इनटू 1000 डिवाइडेड बाय कौन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम क्लियर बुझा पड़ुची सो फर्स्ट कौन पकेबा वेट पके दबा ना वेट केतरे पिले 2.5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट केते कारो इथानोइक एसिड रो हमें जानी छे 60 कैलकुलेट करिवाटा तो हमें जानी छे इथानोइक एसिड रो फार्मूला कोन रे पिले CH3COOH ओके CH3COOH माने आर मास जदि कैलकुलेट करिवा 60 आसीबो इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम केते ग्राम देई पिले 75 ग्राम ना सो एटी मु 75 पुट कर दे कोटा गुडी कर दबा सो 0 को 0 25 3 जा 25 4 जा सो केते होला एटा 10 डिवाइडेड बाय 18 सो आंसर केते पिले 0.5 नियरली आसीबो ओके सो देखि दबा 0.5 आछि कि ओपन करिवा पिले कैलकुलेटर देखो
केते परिवार है 10 डिवाइडेड बाय 18 सो केते आसिला 0.5 आसिला ना आंसर सो एटा हे जीवो तमरो 0.5 ओके एम ओके सो आमे मोलालिटी को काहे रिप्रेजेंट करू छे स्मॉल एम रे रिप्रेजेंट करू छे क्लियर पिले कांसेप्ट एतिक पिले तमरो कार क्वेश्चन हे गला 2 एंड 3 मार्क रो क्वेश्चन हमरो 10टा सरला पिले नेक्स्ट क्लास रे और बाकी क्वेश्चन डिस्कशन कर थैंक यू नेक्स्ट क्लास में देखिए।